हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू सुरो रामबस ब्लॉग, आपका व्यवहार में स्वागत है। तो आज मैंने कुछ अरेंज किया है, अभी मैं हूँ बोलपुर में। जी हाँ, तो एक सेकंड, तो अभी मैं हूँ बोलपुर में। अगर आप लोग कभी भी बोलपुर शांति निकेतन आए तो यहाँ का कल्चर, जी हाँ, यहाँ मैंने इस जगह का फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत ही एकदम क्लासिक कल्चर है। तो अगर आप लोग कभी भी बोलपुर विज़िट किए हैं या फिर करें तो ज़रूर यहाँ पे दो चार चीज़ें हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिए, देखिए, ज़रूर आइए। और तो मेरा एक ही दो ही नशा है, एक मैं अपने पर्सनल लाइफ में दो ही नशा है, एक घूमना और दूसरा है बाउल गाना सुनना। तो आज मैंने कुछ अरेंज किया है, जी हाँ, मैंने खुद अरेंज किया है, बाउल को जाके मैंने खुद बुक किया है। तो बाउल का चार्ज क्या है ये मैं बाद में बोलूँगा, अभी तो नहीं बोलूँगा। तो मैंने बुक किया है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, एक छोटा सा अरेंजमेंट किया है पार्थ भैया के घर में, वहाँ पे जाएंगे, बाउल गाना सुनेंगे। আমার মন চল যায় ভবনে আমায় কৃষ্ণ কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে ও তুই শ্যামের প্রীতি রাখ যতনে, কিছুদিন মনে মনে ইশারাই কইবি কথা ও তুই গোঠে মাঠে ইশারাই কইবি কথা ও তুই গোঠে মাঠে, দেখিস যেন কেউ না দেখে কেউ না জানে ওরে কেউ না শোনে, কিছুদিন মনে মনে আগা খাই লাউ দিয়ে বানাইলাম